लोगों को नमाज पढ़ाते हैं जो हमारा सबसे सीनियर बुजुर्ग हमारा जो है हजमत साहेब, हम उसको हमारा सलाम कहती हूँ। हमारे साथ जावेद अभिषेक अभिषेक और भी बहुत सारे आप लोगों को कम्युनिटी का भाई बहन है। मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहने चाहूंगी। ये ईद खुशी का ईद है। ये ईद जाने वाला दुश्मन का खिलाफ का ईद है। ये ईद हिम्मत का ईद है। ये ईद आपको जिंदगी में रोशनी ले आने का ईद है। ये ईद हमको हिम्मत देने का ईद है। एक महीना रोजा पालन करके, रमजान मास पालन करके ऐसा ईद करना, यह बहुत बड़ा दृष्टांत है। ये बहुत बात है। हम एक दिन अगर उपवास करते हैं तो 3 दिन खाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने 1 महीना तक पानी भी नहीं पीता है। सुबह से शाम तक एक जब तक आप रोजा नहीं तोड़ते हैं, जब तक इफ्तार नहीं करते हैं। मैंने सोचा कल ईद होगा, लास्ट यस्टरडे, इसी के लिए मैंने प्रोग्राम रख दिया था, लेकिन मेरे को आज रेड डोर तो आना ही है, मेरे को नॉर्थ बंगाल में भी जाना है। मैं ऐसा करके 2 जगह करके हम फिर वापस जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर में जाएंगे। हमको हसीमारा से चालसा जाने पड़ेगा, लेकिन हम रेड रोड का नमाज हम जिंदगी में कभी मिस नहीं करेंगे। कि आप लोगों का मजबूर लेकर हमको जो मौका मिलता है, इसको हम सोचता है ये अल्लाह का मेहरबानी है, ये अल्लाह का कामयाबी होने के लिए अल्लाह का दुआ है। देखिए, दुआ तो सब मांगते हैं, लेकिन अल्लाह का दुआ सच्चा दिल से कितना लोगों को मिलता है। जो सच्चा इंसान है अल्लाह का दुआ उसको पास मिलता है, जो सच्चा इंसान नहीं है अल्लाह का दुआ उसका पास इतना कीमत से नहीं मिलता है। अल्लाह का कीमत है दुआ का बहुत बड़ा है। हम नफरत नहीं करने जानते हैं, हम नफरत नहीं, हम हेट नहीं, हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम एनआरसी नहीं, हम क्या नहीं। हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का सारा एक साथ में रहेंगे, हम लोग जुलूम नहीं सहेंगे। अब एक साथ रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जब तक हम लोग जिंदा है आप ये याद रखना, हमको जिंदगी भी बर्बाद होना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार है। अब मत का डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का पास में है, हम रहते जाऊंगी। मैं तो सीखा आप लोगों से, मैं आप लोगों से सीखा कि हम मौत को डरते नहीं है, मौत हमको डरते हैं। कोई कोई चाहते हैं जैसा है चुनाव में सबको डर डर दिखाओ, सबको एनआईए में डाल दो, सबको सीबीआई में डाल दो, सबको इनकम टैक्स में डाल दो, सबको ईडी में डाल दो। हम बोला इससे आधा तो अच्छा है, आप एक जेल खाना बना दो, सब लोग चला जाए। लेकिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ का 130 करोड़ का देश है, आप सबको जेल में डाल सकता है। हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर का ताला लड़ते हैं। हम लोग कहते हैं सर फर्श का तमन्ना खाद हमारा दिल में है, देखते हैं चोर किसका बाजू कफी में है। हम तो कहते हैं रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, और जनता का दुआ कामयाबी से होता है, जुलूमबाजी से नहीं, से नहीं, भावताबाजी से नहीं,
ए याद रखना, हम देश के लिए खून देने के लिए तैयार है, किंतु हम देश के लिए अत्याचार छोड़ने के लिए हम रेडी नहीं है, हम प्रस्तुत नहीं है। जितना भी जुलूम वाली है आप करके देखो, जितना भी जुमला वाली हो कर लो, आज चुनाव का टाइम में आप चुन चुन के मुस्लिम लीडर को फोन करते हैं और करके बोलता है कि आप चाहिए, हम बोला कुछ नहीं चाहिए, ओ लोगों का हिम्मत से काम लेना है, ओ लोगों को वादा होता है, ओ लोगों को प्यार को मोहब्बत को छीनना इतना मुश्किल आसान नहीं है। मैं तो हर तरह विश्वास करती हूँ कि ईद का जो चांद है, ईद मुबारक जो होता है, चांद मुबारक का बाद एक खुशी का चांद है, एक खुशी का ईद है, जनता का ईद है। मुने रखबें, ईद मुबारक जाना सबाई के, भालो थाकबें, अल्लाह ताला आपनादेर दुआ कबूल करेछेन, ताई आज के आपनारा ईद पालन करछेन। खुशी ईद, आपनादेर भालो राखुन, आपनादेर सन्तानदेर भालो राखुन। आमी जानी अनेकेर मध्ये प्रश्न आछे, NRC হবে কিনা, CAA হবে কিনা, আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়েরা, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে, আমরা মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের জোরে মানব না, গায়ের জোরে মানব না। আবার বলছে নাগরিক কেসে হ্যায়, তো আপ পহলে সোচিয়ে কি আপ নাগরিক কেসে হ্যায়, আগর হাম নাগরিক নেই হ্যায় তো আপ কেসে হ্যায়। जनता ने वोट दिया आपको नागरिक बना, आपको बनाया प्रधानमंत्री, बनाया चीफ मिनिस्टर, बनाया जिला परिषद, बनाया ग्राम सभा, बनाया पंचायत, बनाया म्युनिसिपैलिटी, बनाया। और आपको भी कहते हैं वो नागरिक क्या है, आप तो है ही नहीं। हम कहते हैं आने वाला दिन आप तो है ही नहीं, हमको उत्तर हमको ऐसा ही है। इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको परिवार का साथ मिल रहा है। मैं हमारा दोस्त है तो हम जरूर कहते हैं खुदी को कर बुलान दितना, खुदी को कर बुलान दितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। हमारे राजा की अमर इच्छे सर्वधर्म समन्वय, अमर इच्छे अपना निरापत्ता, আপনাদের জীবন, নো NRC, নো ক্যা, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো তুমি আমাকে জেলে ভরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, মুদ্দায় লাখ বুড়া চাহে তো ক্যা হোতা হ্যায়, ওই হোতা হ্যায় जो मंजूर खुदा होता है। सबाई के भलोबासी विश्वास करी अपन परिवार परिजन जरा पाइले काज करे तादेर बोलबेन भोटा जान दिए जाए, ता नाले तादेर नाम गुलो केटे देबे, पर बोलबे माछेर माथाटा देखछेन तो ओटा होच्छे क्या आर लेजाटा होच्छे NRC আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে, একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। हमारा देश है, हमारा इकबाल गांधी जी काम किया तो उनका साथ में भी एक मुस्लिम दोस्त था, नेताजी किया तो शहनाज खान था, रविंद्रनाथ थे तो सबको लेके किया है, नजरुल थे तो एक ही बीन के दो कुसुम
हिंदू मुसलमान एक जन तार नयन मणि और एक जन तार फान, चाहे नजरुल हो, चाहे नेताजी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ये धर्म हम लोग कभी नहीं माना जो अभी बाहर से ले गया है, जिसका साथ हिंदुस्तान का कोई संपर्क नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। और एक बात आपको कहने चाहूंगी, ईद मुबारक का साथ साथ में पहला वैशाख आ रहा है, शुभ नववर्ष, और हमारा फाउंडेशन डे बंगाल को आप लोगों को शुभकामना है। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं। और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है, कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल, उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा, यही बात में रहता है। हम तो एक छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा, हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। इसी के लिए मैं यही बोला, इकबाल ने एक कविता लिखा था, जब उसको माताजी का देहांत हुआ था, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रहे, जब मेरी खिदमत करने, जब मैं तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी, बहुत दुख हुआ था। इसी के लिए अभी से याद रखना, कोई भी दुष्टुमी हो, जतोई बदमाशी हो, जतोई चक्रांत हो, जतोई टाकर खेला हो, जतोई नोंरामी हो, जतोई रंगम से मौके हो, मने रखबे आपका ईमानदारी, आपनादेर ईमानदारी आमादेर बांग्लाय मामाटे मानुष के अनेक शांतिते रेखेछे, भालो रेखेछेन। आपनारा शांतिते थाकबेन, आपनारा स्वस्तिते थाकबेन, आपनादेर जीवनेर निरापत्ता देवार दायित्व आमादेर, तार कारण आमरा थाकते आपनादेर केउ कोनो रकम अत्याचार करते পারবে না। একটা লোক ভেঙে গেলেও আমরা কিন্তু তাদের নিয়ে আসি পরিযায়ী শ্রমিকদের। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আর জুলুমবাজি নেই, জুমলাবাজি নেই, ভাওতাবাজি নেই, ছুটা হবে না। মনে রাখবেন একটাই আমরা সবসে বড় ধর্ম হ্যায়, হম লোক এক সাথ মে রহেগা, এক কট্টা রহেগা, हम टूटने नहीं देंगे, हम छुएंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को, परिवार को, जब परिवार एक महीना तक आपको लिए खाना बनाते हैं, उपवास करके आप लोगों को खाना तैयार करके रखता है, और सब महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चा को भी हमारा बहुत बहुत प्यार है, हमारा मोहब्बत है। आप लोग हम इधर से जाने का बाद हम जो काम में जा रहा है, आपको दुआ चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, इंशाल्लाह, जोहर, जय बांग्ला, करेंगे और कोई नहीं। ये वादा रखिए, पहले कहा था आपकी बार 200 पार हो गया, 70 में खत्म, और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 कटो, चिंता करबे ना, भाबें ना, जतई मीडिया से प्रचार करो, और किछु होले कोर्टे एकदम सुखे दिए সব আমাদের ছেলেদেরকে স্কুলে রেখে দিচ্ছে, বেল দিচ্ছে না। আর বিজেপি কাউকে একটা অন্যায় করলেও সঙ্গে সঙ্গে বেল দিয়ে দিচ্ছে,
आमी तादेर बोलबो हाथ जोर करे दया करे इंसान के लिए इंसानियत के लिए इंसाफ दीजिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग विचार चाहिए गणतंत्र बनी जन निजे ना पाए। अनेक अनेक भलो थकबें, अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, इंशाल्लाह।